हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं द मार्केट में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर के बारे में। जी हाँ, आज गिरावट आई है, अब क्या करें, अलर्ट होना पड़ेगा। इसमें बहुत तकड़ी गिरावट हम देखें, 4% से भी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। 50 रुपये से 53 रुपये की इसमें गिरावट देखने को मिली है। फ्राइडे की जो हमारा ट्रेडिंग सेशन दे था उसके अंदर इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और किस वजह से गिरावट देखने को मिली, उस कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कितना इसमें गिरावट आ सकती है। जी हाँ, अगर आपका इसमें निवेश है तो प्लीज़ आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और इसमें वीडियो में देखना है कि हम किस लेवल के बारे में आपको अलर्ट करने जा रहे हैं और किस तरह का इसमें आपको पोजीशन बनानी है और कितनी पोजीशन हल्की करनी है, सब बारे में जानकारी करना है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। आप कोविड से जो पूरा देश लड़ रहा है उसमें आप योगदान जो दे रहे होंगे वो भी घर में बैठ कर, कोई आपको ज़्यादा योगदान नहीं देना, आप घर में बैठ कर भी योगदान दे सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंट्रीब्यूट करना है तो पीएम फंड केयर में प्लीज़ कंट्रीब्यूट जरूर ले, उसमें दान जरूर करें, क्योंकि इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की और आईसीयू बेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की। जैसे दिल्ली के मुंबई के हालात ख़राब है, तो प्लीज़ मेरी आपके से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी आप पीएम फंड केयर में कुछ भी अपना डोनेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ जरूर करिए अगर आप इस लायक हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चले जाएँ इंडियन इस वेबसाइट पर, तो वहाँ से इसके कारोबार डिटेल देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आ गए हैं पीवीआर के इंडियन इस वेबसाइट पर और यहाँ से पीवीआर के कारोबार के डिटेल जाने। सबसे पहले तो प्राइसिंग की बात कर लूँ मैं। सबसे पहले 1135 रुपये का इसकी प्राइसिंग है जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था। 53.85 रुपीज़ की इसमें गिरावट देखी और 4.5% की, जी हाँ 4.5% की भारी गिरावट देखने को मिली है हमें इसमें। और प्री क्लोजिंग की बात करो, 1188 रुपये प्री क्लोज था और 1170 रुपये पर ये ओपन हुआ। जी हाँ, 1170 लगभग ये 18 रुपये की गिरावट साथ ये ओपन ऑलरेडी हुआ था। और अगर इसमें हाई की बात करो, 1185 इसका हाई बना जरूर था और लो रहा था 1130 रुपये। यानी कि दिए ये हाई जब बना था, जब निफ्टी भी थोड़ा ऊपर था, जब भी तभी इसने अपने जो प्री क्लोज था उसके ऊपर भी नहीं गया, क्योंकि 1188 का प्राइस था और 1180 हमने लो बनाया। यानी कि ये हमें शुरू से जब से ओपन हुआ था, जब से डाउनग्रेड में ही जा रहा था स्टॉक, तो 1130 पे इसकी लो रहा, 1130 पे लो रहा और 1136 पे ये 40 पैसे पे क्लोजिंग दिखाई इसने। अब मैं ट्रेड वॉल्यूम शेयर की बात करूँ, 1,70,652 शेयर में ट्रेड हुए हैं। ट्रेड वॉल्यूम और मार्केट फ्लोट की बात करूँ इसमें तो 4.764 करोड़ इसमें इसका मार्केट फ्लोट है। तो दोस्तों इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 1591.90 रुपये 52 वीक हाई रहा था 21 जनवरी 2021 को। तो ये 52 वीक इसने हाई जरूर बनाया था और वहाँ से ही इसमें डाउनग्रेड एकदम चालू हो चुका है। और क्योंकि वहाँ से कोविड की सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी थी जनवरी फरवरी के बाद, फरवरी में, तो तभी से इसमें डाउनग्रेड का पोजीशन बनी हुई है, डाउन जाता ही रहा है। और 52 वीक लो की बात करो तो 711.19 रुपये इसका 52 वीक लो बना था 19 मई 2020 को। जी हाँ, ये भी कोविड के दौरान ही इसमें लो देखने को मिला था। अगर मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर देखता हूँ, सॉरी कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ खोला है, तो यहाँ देखिए आप जो प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो है 17.07 ये 1 फरवरी 2021 तक थी और 31 मार्च 2021 को 17.06, तो ज़्यादा बदलाव नहीं है। और पब्लिक जो ज़्यादा जो पोजीशन है इसमें, जो शेयर होल्डिंग जो ज़्यादा है वो पब्लिक के 83 लगभग 83% इसमें शेयर होल्डिंग है जो है पब्लिक की है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, अभी कोई भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो प्लीज़ कंपनी की इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके चार्ट पर, वहाँ से इसको पूरी एनालिस करेंगे और कि इसमें किस तरह की पोजीशन हमको और आगे के लिए लेवल देखने पड़ेंगे। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 21.75% की इसमें डिलीवरी परसेंटेज है और इसमें जो फ्राइडे को डिलीवरी उठाई गई है वो 2,34,371 शेयर इसमें डिलीवरी में उठाए गए। और जो ट्रेड क्वांटिटी है 10,70,692 शेयर जो इसमें ट्रेड हुए थे फ्राइडे के दिन को। चलिए अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर, वहाँ इसको देखते हैं, पूरे इसके लेवल निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं द पीवीआर के चार्ट पर, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक दिन का चार्ट ओपन किया हुआ है पीवीआर का जो शेयर है। और प्राइसिंग की बात करो इसकी, पीवीआर लिमिटेड की 1150 रुपये प्राइसिंग, 53.85 रुपये इसमें गिरावट देखने को मिली थी हमें। और यहाँ से मैंने अभी एक दिन का चार्ट लगाया है, 1165 रुपये प्राइसिंग पर ओपन हुआ था, फिर उसके बाद इसमें
एक बार भी ये ऊपर आने की कोशिश नहीं की, हमेशा ये नीचे ही जाता गया। अपने जो इसका दिन ओपनिंग की थी तो प्री क्रॉस से ये देख सकते हैं 1188 था, और यहाँ से ये ओपन हुआ 1165 पे। तो यहाँ से फिर भी इसमें 11 ढाई, और यहाँ पर ये देखते पूरा दिन में इसमें लाल निशान में रहा। अब मैं यहाँ से 5 दिन का चार्ट खोलता हूँ, यहाँ से कुछ आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ देखिए 5 दिन पहले 26 अप्रैल को प्राइसिंग जो था 1172 के प्राइस था, ठीक है 1172। अब यहाँ से ये थोड़ा और नीचे गया 1138 आया, ठीक है 1138 आने के बाद अभी यहाँ पर ये 1135, यानी कि फिर ये 5 दिन के लो पर है। अब ये 5 दिन के लो तो यहीं दिखा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये अगर इसका दिखाता हूँ 1 मंथ का चार्ट, तो यहाँ से आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। 1 मंथ यानी कि इसने 1178 रुपये प्राइस है अभी 5 अप्रैल को, और 1178 के बाद 29 अप्रैल को 1188, यानी कि सेम। बट इसने 29 अप्रैल के बाद जो इसमें लो बनाया वो 1 महीने का लो, जो 1 महीने में गेंस कमाई थी इसने वो सारी यहाँ इसने गवाती दिखाई दी 1 दिन के अंदर। जी हाँ, 1 दिन के अंदर सारी गेंस इसने गवाई है। तो देख सकते हैं 1135 रुपये का प्राइस पर है अभी 1135, और यहाँ पर हमने 1178। 6 अप्रैल को इसका प्राइसिंग था 1128। तो ये 1128 और 1135 यहाँ पर इस 1 महीने के EMA पर है अभी, यानी कि 1 महीने जो इसका प्राइसिंग था उसके यहाँ पर ये बिल्कुल सेम पर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा जो डाउन जरूर गया था 1000, जी हाँ 1009 पर जरूर गया था जिस टाइम पर ये उस दिन की जिस दिन गिरावट बनी थी, लगभग लगभग निफ्टी छोटा था 400 पॉइंट के आसपास, तब इसने ये लो बनाया था, तब इसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट आई। तो अब मैं आपको जो लेवल बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो 1009 का ही निकल कर रहा है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है अभी यहाँ पर, अगर आपके जो सबसे पहले सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी इसमें पुरानी होल्डिंग है तो सबसे पहले मेरे उसको सजेशन दे रहा हूँ कि अपना स्टॉप लॉस लगाए जरूर, प्लीज़ ज़रूर अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा। अभी 1135 पर है, अपना पहला स्टॉप लगाइए 1190 पर। यहाँ पर ये अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर ये 1000 के लेवल दिखाएगा आपको ज़रूर। जी हाँ, 1000 के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे पहले जो आपको लगाना है, अभी भी इसमें लगभग 5% पे इसका जो स्टॉप लगवा रहा हूँ वह 1090। 1090 पर अगर आपको होल्डिंग लेनी है जी, और अब मेरे सुन लीजिए जिसको इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वीडियो वही देख रहा है जिसको इन्वेस्ट करना है या इसकी पोजीशन बनी हुई है। जो इसकी पोजीशन बनी है उसके लिए तो मैंने दोनों चीज़ बता दी है, 1190 का स्टॉप लॉस लगा है, और अगर 1190 टूटता है तो वहाँ से आपको एग्जिट करना चाहिए क्योंकि उस समय फिर गिरावट आएगी। जिसको नई पोजीशन बनी है उसके लिए क्या करना है, क्योंकि अभी कोविड का देखो पूरा महाराष्ट्र, पूरा दिल्ली, पूरा झारखंड, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा पंजाब सब कुछ बंद है अभी, PVR एकदम शट डाउन है। इसके गिनने के चांस 98.9% ये गिनने के चांस इसके ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इसमें मेरी राय माने तो प्लीज़ अब इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें, फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें। अगर करनी है तो इस लेवल पर आप कर सकते हैं, जी हाँ 1009 के लेवल पर आप, 1000 के लेवल पर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, वो भी अपनी रिस्क कैपिटल साइज को देखते हुए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो प्लीज़ 1000 के लेवल पर आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी PVR पर राय द मार्केट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए गुड डे, गुड बाय।